हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल राव सी फोरम। फ्रेंड्स, दिस इज माय चैनल नेम राव सी फोरम एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक गेट, पीएससी एंड पीएसयूज एंड एसएससी जेई आल्सो। ओके फ्रेंड्स, तो इन दिस वीडियो वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज़ इंक्लूडेड इन क्वेश्चंस। सो आज हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसमें कई पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि अ सॉइल हैज़ अ यूनिट वेट यूनिट वाइड रेशियो ऑफ 0.72 एंड मॉइस्चर कंटेंट इज 12%, डिटरमाइन इट्स यूनिट वेट, मॉइस्चर यूनिट वेट एंड अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड पर मीटर क्यूब टू मेक इट इन सेचुरेशन स्टेट। गिवन जी इक्वल 2.62 एंड गामा डब्ल्यू इक्वल टू 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो सो फ्रेंड्स, आई एम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गिवन है वाइड रेशियो क्या, तो वहाँ नोट कर लीजिए, गिवन है वाइड रेशियो इक्वल टू 0.72, मॉइस्चर कंटेंट क्या है तो डब्ल्यू इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट या फिर आपका वाटर कंटेंट, दोनों सेम है, कितना है 12% है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए फाइंड आउट करना है कि यूनिट वेट क्या होता है, मॉइस्चर यूनिट वेट क्या होता है। तो अगर यूनिट वेट पूछता है समझ लीजिए आप जो है कि गामा निकालना है या फिर गामा बल्क निकालना है, ठीक है, और मॉइस्चर यूनिट वेट है यानी कि हम क्या निकालना है, गामा सेचुरेशन निकालना है, गामा सेचुरेटेड या फिर आपका मॉइस्चर यूनिट वेट। ओके फ्रेंड्स, तो आइए तो हम जानते हैं कि जो ड्राई यूनिट वेट होता है, देखिए फ्रेंड्स, ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल्स टू गामा डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, ये होता है आपका ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एक चीज़ याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो एक ध्यान रखिए, एक फार्मूला होता है गामा बल्क इक्वल टू, सेम हो जाए, देखिए हम कैसे बता रहे हैं, गामा बल्क इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, जी प्लस एस ई, ठीक है, इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1+E, देखिए ध्यान रखिएगा 1+E, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, ये बल्क है तो बल्क रहेगा यानी बल्क बोलिए फिर पार्सली बोलिए, तो वो सेचुरेटेड सेचुरेशन तो रहेगा, पार्सली सेचुरेशन तो एस की वैल्यू आएगी, लेकिन हम तो ड्राई बोलते रहते हैं, ड्राई क्या बोल रहे, ड्राई तो ड्राई मतलब देयर इज नो वाटर, तो सेचुरेशन स्टेट तो जीरो हो जाएगा। तो सर अगर ड्राई के लिए हम बात करेंगे, आप जानते होंगे कि फॉर ड्राई कंडीशन के लिए क्या, देखिए फ्रेंड्स एक एक पॉइंट देखिए, फॉर ड्राई कंडीशन के लिए हम बात कर लेते हैं, तो जो अगर ड्राई है सॉइल तो उसमें सेचुरेशन तो है नहीं यानी कि बिल्कुल उसमें वाटर तो है नहीं, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है आपका जीरो हो जाता है। अगर लेकिन फॉर अगर फुलिश सेचुरेशन की बात करें कि अगर पानी पूरा भरा हुआ है वाइट्स में, फुलिश सेचुरेट है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए, तो जाएगा एस इक्वल टू आपका 100% यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे अगर एस बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो सेम आपको ये मिल जाएगा गामा डी, ये हो जाएगा यही बल्क क्या हो जाएगा, आप ये बल्क बन जाएगा गामा डी यानी कि ड्राई यूनिट वेट। तो सेम आइए यूज़ कर लेते हैं, तो गामा डी इक्वल टू हो जाएगा जी को आपका 2.62 है इंटू गामा डब्ल्यू गिवन है 9.81 मीटर, ठीक है, और डिवाइड बाय हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 1+C यानी 1+E की वैल्यू हो जाएगा 0.72, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.72, सॉरी फ्रेंड्स 0.72। आइए तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका, टोटल बताइए, टोटल हो जाएगा आपका 2.62 आपका है और 9.81 है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका हो जाएगा 14.94 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हो जाए आपका ड्राई यूनिट वेट है, क्या है आपका, ये ड्राई यूनिट वेट है, ठीक है, क्या है, ड्राई यूनिट वेट है। अब आइए हम बात करते हैं सेचुरेशन की, बात करते हैं सेचुरेशन स्टेट की, देखिए जब इसी में एस के हम 100% कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका गामा बल्ब क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा यानी गामा सेचुरेशन इसका हो जाएगा आपका जी प्लस एस के 100% है, जी प्लस सी अपॉन डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 1+C इंटू हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू। तो एक चीज़ याद है, अगर हम लोग गामा डी निकाले हैं तो गामा डी की वैल्यू में हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इसी की फार्मूला हम चेंज कर दें, इसी को चेंज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, तो गामा सेचुरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा
अब देखिए अभी हम लोग ये फाइंड आउट करें जी गामा डबल वन प्लस ये अभी फाइंड आउट करने किए प्लस क्या हो जाएगा आप बताइए, प्लस हो जाएगा आपका ई गामा डब्लू अपन वन प्लस, यही तो है ना, यही तो है ना, यही तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उसमें हम जोड़ देंगे या फिर हम इकट्ठे निकाल। चलिए आइए इसके लिए हम निकालें 914.94। देखिए फ्रेंड एक चीज़ आपको क्लियर मैं बताता हूँ कि ये गामा सेचुरेट और आपका गामा डी, तो गामा डी की वैल्यू क्या होगी, गामा सेचुरेशन क्या होगी, कम होगी। देख लीजिए यहाँ पे 0.72 × 9.81 / 1.72, ठीक है 1.72 तो क्या हो जाएगा फ्रेंड बताइए, हो जाएगा आपका 0.72 × 9.81 / 1.72। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 14.94 + 4.10 / + हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो गया, ये जगह आपका 19.04 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 19.04 ये जगह किलोमीटर पर मीटर की, देखिए यहाँ पे ये अभी गामा हम लोग क्या निकालें, गामा ड्राई निकालें, ये आपका हम निकालेंगे गामा सेचुरेशन, ठीक है। देखिए ये देख लिए गामा सेचुरेशन की वैल्यू और गामा ड्राई की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो यही आपकी वैल्यू जो बीच में यही वाली ज़्यादा है ना, देखिए यही वाली, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको, तो हमको देखिए ये मिल गया। अब ये बोल रहा है कि यूनिट वेट निकालिए, तो यूनिट था वेट तो हमको मिल गया गामा बल्क, ठीक है गामा बल्क की वैल्यू क्या है, जी प्लस एच सी डिवाइड बाई इतना है, तो ये गामा सेचुरेशन मिल गया और हमको गामा डी मिल गया, ड्राई यूनिट वेट मिल गया, ठीक है यूनिट वेट मिल गया ड्राई यूनिट वेट। अब देखिए जब हमको ड्राई नोट वेट मिल गया तो अगर हमको यूनिट वेट निकालना हो तो हम कैसे निकालें, बोलिए एक और रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स, अगर वाटर कंटेंट की का हम लोग यूज़ किए ना, ये बिल्कुल अगर वाटर कंटेंट का हम लोग यूज़ करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ध्यान से मैं देखता हूँ, नेक्स्ट पेपर देखता हूँ। देखिए तो अभी हम देखे हैं कि जो वाटर कंटेंट कितना था, 12% था कितना, तो जो गामा बल्क है फ्रेंड्स, गामा बल्क है ये देखिए, ठीक है गामा बल्क है ये आपका गामा डी इंटू आपका 1 + W, ठीक है एक ही फार्मूला होता है, ठीक है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे अभी गामा बल्क इक्वल टू गामा डी, अभी हम फाइंड आउट किए हैं, देखिए यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 14.94 हो जाएगा आपका 14.94 × 1 + 1.12% है, ठीक है तो कितना जगह बताइए फ्रेंड्स 14.94 × 1.12 ये वाला हो जाएगा 16.73 kN/m³, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ये हो गया। तो गामा बल्क मिल गया हमको, ये गामा बल्क है, देखिए गामा डी अभी निकाले हैं 14.94 गामा बल्क मिल गया हम लोगों को, 16.73 गामा सेचुरेटेड मिल गया हमको, कितना था 19 point something था ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए 19.04 है, तो 19.04 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक चीज़ आज क्या फ्रेंड देखिए कि इसमें हम अब यहीं पे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो गामा सेचुरेशन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, गामा बल्क से ज़्यादा है, ग्रेटर देन गामा बल्क और जो गामा बल्क की वैल्यू है वो किससे दिखे, वो आपका गामा डी से है, ठीक है से गामा ड्राई से। तो यहीं पर आपको मिल गया कि एक गामा सेचुरेशन की वैल्यू जो होती है ये ज़्यादा होती है गामा बल्क से भी और किससे गामा डी से होती है, आपको हो गया आपका कैसे हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्या होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है यही समझ गए हम लोग, एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया, ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे आप, ठीक है। अब बोला अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू दे ना, देखिए आप एक और लास्ट पॉइंट था कि अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, देखिए तो गामा आपका सेचुरेशन क्या वैल्यू है और आपका गामा डी क्या वैल्यू है, ठीक है तो गामा सेचुरेशन क्या आपका है 19.04 और गामा डी क्या है 14.94 तो दोनों को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको हम सेचुरेशन लाने के लिए हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यही तो मतलब है जो इंटरवेट हम निकाल लिए, ये मान लो इंटरवेट निकाल लिए, देखिए इंटरवेट निकाल दिए हम लोग, ये सेचुरेशन है,
तो यूनिट वेट को ये देखिए इसको माइनस कर देंगे दोनों को तो वही आएगा अमाउंट ऑफ वाटर। ये तो है ना गामा बल्क इतना था इतना था कितना पानी मिलाएंगे कि वो आपका सेचुरेट हो जाएगा। तो सेम चीज़ है दोनों को माइनस कर देंगे ये चीज़ हम लोगों को माइनस कर देंगे ठीक है। तो 19.04 माइनस 16.73 माइनस करिए कितना आ रहा है बताइए। हो जाएगा 19.04 का वैल्यू माइनस 16.73 हो जाएगा आपका 2.31। देखिए फ्रेंड्स हम सब कुछ मैनुअली किए हैं यहाँ पे और आपका प्रूवन है या आपका अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड पर मीटर क्यूब पे इतना किलोमीटर पानी आपकी जरूरत पड़ेगा ठीक है। ओके ओके फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।